एट पास मास्टर शेफ चैनल में सबको नमस्ते। दोस्तों आज बनाने वाली हूँ भेज छिली मिली मसाला रेसिपी। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिए, फुल वीडियो देखिए। चलिए दोस्तों बनाते हैं। और सारे सामान पहले से रेडी करके है कटिंग। इसका मैं एक बर्तन लिया, मतलब सोहा पे डाला, बॉल लिया बड़ा करके, अंदर बीम्स डाल देंगे। 100 ग्राम से बीम्स, 50 ग्राम तो कैरेट, 150 ग्राम तो कॉलीफ्लावर मतलब गोभी छोटा छोटा, इसमें कैप्सिकम छोटा टुकड़ा ले लिया, काट के पहले से रखा हुआ था दोस्तों। इसका बाद में आलू 100 ग्राम तो कटिंग रखा था छोटा छोटा टुकड़ा, अच्छी तरह क्लीन करके काट लिए थे दोस्तों, क्यूब्स काटिंग। इसका बाद में डालें थोड़ी सी अदरक लहसुन पेस्ट। इसका बाद में थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक, नमक डाल दिया। इसका बाद में डाल दिया हल्दी पाउडर, इसका बाद में कश्मीरी चिल्ली पाउडर, इसका बाद में डालेंगे तीखा मिर्ची पाउडर, इसका बाद में डालूँगा थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, और इसका साथ डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी मिक्स करने के बाद दोस्तों थोड़ी सी कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी मैदा। अच्छा क्यों झिली मिली मसाला बनेगा, देखने को वो तो प्यारा लगेगा दोस्तों, बिल्कुल झिली मिली जैसे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से नींबू पानी देंगे दोस्तों, नींबू पानी दे के फिर दोबारा मिक्स कर लेंगे। लेकिन चटपटा होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए रेसिपी दोस्तों। बना दिए बिल्कुल अच्छे लगे, दे नींबू का रस डाल दिए दोस्तों, दे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देंगे। साथ में थोड़ी सी पहले पानी दिया था, आप लोग देखा होगा, हल्का सा पानी दे के मिक्स कर लें कॉर्नफ्लावर मैदा डालने का बाद। इसका बाद में मिक्स हो गया दोस्तों, इसका हम ऊपर से थोड़ा चाट मसाला दे देंगे। चाट मसाला थोड़ी सी दे दिया दोस्तों, चाट मसाला दे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसका बाद में दोस्तों तेल पहले से बैठा देता है गर्म गर्म, बिल्कुल स्लो फायर में फ्राई करने के, इसको वेजिटेबल सारे को फ्राई कर लेंगे इस तरफ से। देखिए बिल्कुल मज़ेदार बनेगा, बिल्कुल टेस्टी बनेगा। और राइस का साथ, मैंने चावल का साथ, परोठा नान रोटी बहुत मस्त रहेगा, बच्चा लोग को तो बहुत पसंद रहेगा। बिल्कुल चटापट रेसिपी बनेगा, सारे को फ्राई हो गया दोस्तों। निकाल लेंगे एक बॉल में, देखिए दोस्तों पूरा रेड कलर हो गया, देख के आया, कोई कलर नहीं, कोई कुछ भी नहीं है दोस्तों। चलो कश्मीरी चिल्ली का कमाल है, फ्राई हो गया। अभी बनाऊंगा मसाला, मैं नॉन स्टिक पैन यूज कर रहा, तवा डला दिए के पठा दिया दोस्तों। तवा गर्म होने के बाद थोड़ी सी तेल डालेंगे, थोड़ी सी चलो 25 ग्राम तक तेल। इसका बाद में 50 ग्राम काटा हुआ प्याज, प्याज भुनने के बाद थोड़ी टमाटर डालेंगे, 100 ग्राम तो टमाटर डालेंगे चॉप कटिंग। टमाटर डाल दिया चॉप कटिंग दोस्तों, मैं बना रहा रेस्टोरेंट स्टाइल, मेरा रेसिपी न्यू रेसिपी, अभी तो कोई यूट्यूब चैनल में नहीं आया, कोई भी डाला नहीं, शायद डालता होगा वो मालूम नहीं। आप लोग मेरा रेसिपी फॉलो कर दीजिए, करिए और स्टीम मत करिए, फुल वॉच करिए, देखिए सीखिए, घर में बनाए ट्राई करिए दोस्तों। बिल्कुल फ्राई हो गया, इसका बाद मसाला डालेंगे हल्दी पाउडर, इसका बाद में डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, क्यों उसमें डाला हुआ थोड़ी थोड़ी डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। मिक्स करने के बाद दोस्तों थोड़ी सी डालेंगे पानी दोस्तों, पानी डाल देंगे अच्छी तरह से, इसको सॉफ्ट टच करेंगे। देखिए एक चम्मच पानी डाल दिया, पानी डाल के इसको भुनूंगा, मतलब जब तक टमाटर नहीं गल जाते हैं, पकता नहीं, तब तक अच्छी तरह से पकाऊंगा दोस्तों। देखिए कितना झकास कलर, ऊपर से थोड़ा नमक साथ में, टमाटर गलने के लिए पहले से डाल दे रहा हूँ वैसे दोस्तों। इसका बाद में आएगा वेजिटेबल फ्राई हुआ, फ्राई हुआ वेजिटेबल, इसको सारे को डाल दें अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे दोस्तों। चाहिए आप लोग थोड़ा काजू पेस्ट डाल सकते हैं, मैं डालूंगा रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहा हूँ, मेरा पास अवेलेबल है येलो ग्रेवी, इसको थोड़ा डालेंगे, थोड़ी सी हम लोग का रेस्टोरेंट में यूज होता है, इसको डाल दें। थोड़ी सी दूध और डालेंगे, दूध डाल रहा है, दूध डालने के बाद थोड़ा मिनट करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा पकाएंगे। इसका मैं थोड़े पकने के बाद चाहिए तो थोड़ा पानी दे सकते हैं, वेजिटेबल थोड़ा पकाएंगे अच्छी तरह से दोस्तों। थोड़ी सी मैं पानी डालूंगा, इसका बाद एक चम्मच तक डाल दिया पानी, इसको अच्छी तरह से पकाऊंगा दोस्तों, 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाऊंगा। वो जबरदस्त अभी से स्टार्ट हो गया खुशबू आने को दोस्तों,
और इसी तरह जब भूनूंगा हो गया, देखिए कितना अच्छी तरह जब बन गया। ऊपर से थोड़ा कस्तूरी मेथी मारेंगे दोस्तों, और थोड़ा गर्म मसाला डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दोस्तों। अभी हो गया मेरा रेसिपी रेडी, जलेबी मसाला रेसिपी रेडी हो गया। अभी थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे दोस्तों, ऊपर से बहुत मस्त लग रहा है देखने में। देखिए तेल छोड़ दिया, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। चलिए अभी एक प्लेट में साफ़ कर देंगे, चूल्हा बंद कर देंगे दोस्तों। देखिए आप लोग घर में ट्रायल करिए, ये प्लेट में डाल रहे, कितना मस्त रेसिपी हो गया। आप लोग चाहिए गरम चावल, परोठा, नान, बहुत मस्त रहेगा, साफ कर सकते, खा सकते दोस्तों। रेसिपी मेरा पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरे को शेयर कर दिए प्लीज़ दोस्तों। थोड़ा आप लोग का हेल्प का वजह से मैं आगे बढ़ सकते, थोड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक तो बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरा रेसिपी लेकर।